हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का आरसीई केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं थी वो अपनी दो हो गई थी, मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन हो गई थी, द्विगुणित क्वांटम संख्या यानी एल हो गई थी। आज का अपना रहेगा नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे प्रदर्शित करते एम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है वो भी आवेशित कण होता है। इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुंबक की क्वांटम संख्या है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। और एम का मान होता है, चुंबक क्वांटम संख्या का मान होता है वह है एल के मान, यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या यानी एल के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी एम के मान होते हैं, एम के मान होते हैं तो माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं। ठीक है, यानी एन, एन की वैल्यू किस पर निर्भर करती है? एल पर। यानी एन को किसको बताती थी? कोस को। एल किसको बताती थी? उपकोष को। ठीक है, और एम किसको प्रदर्शित करेगी? कक्षक। किसको प्रदर्शित करती है? कक्षक। किसी भी कोष के कितने उपकोष होंगे? जितने उसके एल के मान आते हैं। किसी कोष कितने कक्षक होते हैं? जिसके उसके एम के मान आते हैं। ठीक है, तो वो मान इस पर निर्भर करते हैं। जैसे अपन देखते हैं, इधर लेते हैं एल का मान, यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान। इधर लेते हैं एम का मान, एम के मान कितने हैं? एल का मान सपोज कीजिए 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो एम के मान निकलते हैं, एम बराबर होता है माइनस एल से 0 और प्लस एल तक। ठीक, 0 तो एम का मान क्या आएगा? केवल एक क्या आएगा? 0। यदि L का मान 1 आता है, L का मान कितना आता है? 1। तो L का मान 1 तो क्या आ जाएगा? माइनस 1। इधर चलेंगे तो 0, फिर आएगा प्लस 1। तो L का मान 1 आने पर M के मान कितना है? 3, माइनस 1, 0 और प्लस 1। ठीक है, यदि L का मान 2 ले लिया आपने, L का मान कितना आएगा अपना? 2। तो M का मान कितना आएगा? माइनस 2, माइनस 1। इधर से माइनस 2, इधर चलेंगे तो माइनस 1, फिर आएगा 0, प्लस 1 और प्लस 2। ये टोटल कितनी मान आ गए अपने? 5, माइनस 1, फिर माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 और प्लस 2। मान लीजिए आपका एल का मान 3 है, तो एम का मान कितना आएंगे? माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3। कितने आ गए? प्लस 3। यानी एल का मान 3 होने पर एन के मान कितने आए? माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 3 और इधर जाएंगे 0, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार अभी किसी, ये कौन सा था अपना? एल का मान 0 आने पर कौन सा होगा? एस। 1 आने पर पी, 2 आने पर डी और 4 आने पर क्या था? एफ। उपकोष क्या थे? एफ। अब इसके कितने कक्षक होंगे? एस उपकोष कितने कक्षक के लिए? एम का मान कितना है अपना? 1। तो कितना उपकोष होंगे? 1 ही होगा। ठीक है, पी के लिए कितना रहे? 3।
तो पी के लिए कितने कक्ष होंगे, तीन होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी के कितने वैल्यू आ रहे हैं, पांच, एक दो तीन चार और पांच, एम के मान कितना रहे, पांच, इसलिए डी के कितने कक्ष होंगे, पांच होंगे। सर एफ के लिए कितने आ रहे हैं, सात, तो इसके कितने कक्ष होंगे, सात होंगे। इस प्रकार अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी किसी को कितने कक्ष होंगे, जिसके लिए उसके एम के मान आएंगे उसके उतने ही कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो नंबर चार है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे प्रदर्शित करते हैं एस, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। तो चक्रण क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का चक्रण होता है, एक होता है दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती स्पिन और नंबर एक होता है वामवर्ती। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो दक्षिणावर्ती स्पिन करता है उसको प्रदेश करते हैं, जो वामवर्ती तो उसे प्रदेश करते हैं ऐसे। तो इसलिए एस का मान होता है, एस जो दक्षिणावर्ती करते उसका एस का मान होता है प्लस एक बटा दो, और जो वामवर्ती करते उसके लिए मान होता है माइनस एक बटा दो। इस प्रकार अपनी चक्रण क्वांटम संख्या समाप्त होती है, यानी कुल चक्रण क्वांटम जो दक्षिणावर्ती करेगा उसके लिए एस का मान आएगा, एस वर्ग होता है प्लस एक बटा दो, और जो वामवर्ती करते उसके लिए एस का मान होता है माइनस एक बटा दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।